हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट प्रिपरेशन। माई सेल्फ अनु सिंह और आज का टॉपिक है रीजनिंग से मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक से आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में दो क्वेश्चन तो 100% मिनिमम दो क्वेश्चन तो पूछे जा रहे हैं, एक मिरर इमेज से एक वाटर इमेज से, और इसके अलावा कभी कभी तो तीन क्वेश्चन भी हो जा रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन फिर भी लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभी। तो मैं ऐसा तरीका बताऊँगी जिससे कि आप क्वेश्चन को बिल्कुल भी गलत ना हो पाए, आपका 100% आपका करेक्ट हो एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, अपने नंबर को फिक्स करिए। इसलिए इसमें एक अच्छा तरीका मैं आपके लिए लिखा रही हूँ, जैसे कि देखिए, पहले स्टार्ट करते हैं। आप कुछ लेटर्स दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ऊपर दिख रहे हैं ये आपके मिरर इमेज में बनेंगे, और ये जो दिख रहा है नीचे आपके वाटर इमेज में बनेंगे। इसमें मैं आपको तरीका लेके आ रही हूँ, आपने इसके पहले पढ़ा होगा कि कौन कौन से लेटर चेंज नहीं होते। जैसे कि अगर मिरर इमेज की बात करें तो ए चेंज नहीं होता है, ओ चेंज नहीं होता, ठीक है, ऐसे ऐसे दिए रहते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, जितने भी हैं रूल उसको छोड़िए। अगर आपको बस वाटर इमेज की बात करें, पहले वाटर इमेज को देख लेते हैं। वाटर इमेज नीचे बनता है, हमेशा नीचे बनेगा। अगर ए दिया है तो इसका टॉप जो है इसका बॉटम हो जाएगा, और इसका बॉटम जो है इसका टॉप हो जाएगा, होता है ना, ये वाटर इमेज में होता है। ऐसे तो आप कर ही सकते हैं, चार ऑप्शन दिए होते हैं, कुछ तो एलिमिनेशन के थ्रू ही हट जाते हैं, जो बचते हैं उससे भी लगा लेते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। मैं आपको इसमें बताऊंगी, जब आपका एग्ज़ाम होता है तो आपको पेपर मिलते हैं, रफ पेपर मिलते हैं। अगर ऑनलाइन पेपर है तो रफ पेपर मिलेंगे, ऑफलाइन पेपर है तो ऑलरेडी उसमें तो पेपर है ही, ठीक है। तो देखिए, जब आपको पेपर मिल रहा है और वाटर इमेज पूछ रहा है, तो एक आप जो ये साइज दिया है पेपर का, उसमें कॉर्नर में चाहे कहीं भी थोड़ा सा आप उस पर क्या करिए, अगर मान लीजिए कोई लेटर दे दिया, ठीक है, मैं अगर ये बात करूँ, कोई लेटर दे दिया, कोई वर्ड दे दिया, चलिए मैं बात करती हूँ, मैंगो दे दिया, ठीक है, MANGO, ठीक है। अब इसको आपका क्या बताना है, मिरर, सॉरी वाटर इमेज। वाटर इमेज कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा, ठीक है। अब इसको आप पेपर पे लिखिए और अपने पेन से थोड़ा सा डार्क करिए, एकदम जैसे नहीं बचपन हम लोग एकदम डार्क करके ऐसे करते थे और फिर उसके बाद छाप देते थे दूसरे, अगर उंगली पे लिखे, एक उंगली पे हम लोग ने चाहे हाथ पे लिखा और उसको डार्क कर दिया और फिर दूसरे हाथ से चिपका दिया, और उसके बाद इसका इमेज इस पर छप जाता था दूसरे हाथ में, दूसरे हाथ में ये इमेज छप जाता था, ठीक है। उसी तरह आपको एकदम डार्क डार्क इसको लिखना है, मैंगो लिख दिया आपने, ठीक है, और बीच से सभी को, सारे लेटर को, फिर बीच से जो है आपको इस वाले पूरे पार्ट को इस पर मोड़ देना है, जैसे पेपर कटिंग वाले में करते हैं इसी तरह इसको मोड़ दीजिए। अब मोड़ेंगे ना तो ये कुछ इमेज इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो कुछ इमेज ऐसे बनेगा, तो ये क्या हुआ, ये जो बना इमेज ना, ये बनेगा वाटर इमेज, ठीक है, ये होगा आपका वाटर इमेज, और ये 100% एक्यूरेट होगा, बिल्कुल भी गलत होने के चांस नहीं होंगी, बिल्कुल सही होगा। इससे अच्छा तरीका कोई नहीं है, ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। हाँ, अब आप कहेंगे कुछ मान लीजिए लेटर यानी कि कुछ पिक्चर दे दिया तब क्या करेंगे, तो भी क्या करना है, अगर सपोज मान लीजिए ऐसे कोई पिक्चर दे दिया तो थोड़ा सा ड्रॉ कर लीजिए, ड्रॉ करके इसका मिरर इमेज निकाल लीजिए, या फिर सीधे कर लीजिए, ड्रॉ करके इमेज निकाल लीजिए, या फिर देखिए जो इसका टॉप, इसका जो बॉटम है इमेज का क्या हो जाएगा, टॉप हो जाएगा, और इसका जो टॉप है इमेज का क्या हो जाएगा, बॉटम हो जाएगा, ठीक है, बस ऐसे भी कर लीजिए, हो गया। तो ऐसे आप इजीली कर लेंगे। और अगर अब हम बात करें किसकी, मिरर इमेज की, ठीक है, तो वाटर इमेज तो पता है कि नीचे देता है, अगर मिरर इमेज की बात करें तो मिरर कहीं भी दे सकता है, इधर भी दे सकता है मिरर, इधर भी दे सकता है, ऊपर भी दे सकता है, नीचे भी दे सकता है, साइड में भी दे सकता है। मिरर कहाँ रखा है पहले इस पर डिपेंड, देखिए पहले अगर नीचे मिरर रखा है तो क्या होगा, नीचे मिरर रखा है तो मिरर इधर बनेगा ना इमेज, तो ये तो वाटर इमेज की तरह हो गया, इसको आप स्किप करिए। अब इधर कहीं भी दे दिया, अगर आप पर्टिकुलर हम बात करें आरपीएफ का, तो हमेशा आरपीएफ क्या, किसी भी एग्ज़ाम में इधर ही देता है अधिकांश। तब देखिए क्या करना है, बहुत सारे तरीके पढ़े मैं, बहुत सारे तरीकों को नहीं बताऊँगी, बस एक अच्छा तरीका बताऊँगी जिससे आप इजिली कर ले। पेपर पर लिखिए, अगर वही दे दिया मान लीजिए मैंगो ही दे दिया, ठीक है, अभी तो जैसे पैरट दिया था कुछ दिन, जो कल के एग्ज़ाम में था पैरट दिया हुआ था, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेगा, इस चीज़ को अपने जो पेपर है पेपर पे डार्क करके लिख लीजिए, ठीक है, इसको डार्क करके इसको भी लिख लीजिए, ओके, डार्क करके लिखिए,
और देन पेपर को ना पीछे पलट के देखिए, थोड़ा डार्क करिएगा और पीछे पलट के देखिएगा, कुछ उभरे उभरे आते हैं ना, उभरे उभरे। जब पीछे इस पेज को पीछे पलटेंगे, ये पेज है, और इसको जब पीछे पलटेंगे तो पीछे ना उभरे उभरे आएंगे। वो उभरा उभरा जो इमेज आ रहा है वो होगा आपका कौन सा इमेज? मिरर इमेज, ठीक है, वो होगा आपका मिरर इमेज। बहुत, और ये बिल्कुल भी सही होगा, बिल्कुल भी सही होगा, बिल्कुल ही सही होगा, ठीक है। इसको जब पलटेंगे तो जो उभरा आएगा उसको या तो आप देख के अपने ऑप्शन से मैच कर लीजिए, या थोड़ा सा उस पर पेन चला लीजिए, आपको सीधे सीधे हो जाएगा, ये भी हो सकता है। ये हो गया, इस साइड में दिया है, तो बहुत ही इजी तरीका है आपका मिरर इमेज यही होगा और वाटर इमेज यही होगा। इससे अच्छा, इससे इजी तरीका मुझे कोई नहीं लगता है। आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कौन किधर है कौन किधर है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, जैसे कि अब देखिए इसका मैंगो क्या क्या बनेगा, जब यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपका मिरर है, ठीक है, तो कहाँ बन रहा है? इधर बनेगा ना, इस साइड बनेगा, इस साइड इसका इमेज बनेगा। आपने जब पलटा, पीछे जो इमेज आया वो इस साइड का इमेज आ जाएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। और जो मिरर इमेज में है, ये जो लेटर्स है अपने स्थान बदल देते हैं, ठीक है, ये जाएगा उधर, ये जाएगा इधर, ऐसे हो जाते हैं। तो इस तरह आप इजीली इसको कर ले जाएंगे। अगर ये ट्रिक आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। और गाइज, इससे बेटर तरीका कोई नहीं है इसके लिए, ओके। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए, और अगर इसकी जगह, चले ठीक है, अगर हम आप सोचेंगे कि इसकी जगह जो मैंगो लेटर दिया है, वर्ड दिया, 1 2 3 वर्ड वगैरह दिया है, इसकी जगह अगर पिक्चर दे दे तो क्या होगा? तो पिक्चर भी आप ड्रॉ कर लीजिए, बहुत ज़्यादा हार्ड पिक्चर नहीं देता है, थोड़ा बहुत लाइंस वगैरह ही देते हैं, ठीक है। तो इससे बेटर तरीका मुझे नहीं लगता कोई और है। ओके गाइज, थैंक यू एंड बाय बाय एंड टेक केयर।